ओफो, इस मेगा रोबोट के रिमोट को भी आज ही खराब होना था। हाँ दोस्त, इसकी वजह से सारा समय बर्बाद हो गया और आज हम मेगा रोबोट नहीं खेल पाए। अरे दोस्त वो देख, कृष्णन सर के पास सेम टू सेम रिमोट कंट्रोल। अरे हाँ, लगता है कृष्णन सर भी मेगा रोबोट खेलते हैं। अयो रामा, हम कर दिखाया, हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो गया। दोस्त देखा? हाँ दोस्त, कृष्णन सर तो जादूगर निकले। हाँ चल, राठी सर को बताते हैं, वरना वो समझेंगे कि ये सब हमने किया। हाँ? अरे रुक, ये देख झूला वापस भी आ गया। अब हम किसी भी चीज को गायब कर सकता। दोस्त ये रिमोट तो एकदम लल्लन टॉप है। बुद, जरा सोच, अगर ये रिमोट हमारे हाथ लग जाए तो क्या होगा? सब कुछ हमारे कंट्रोल में हो जाएगा। अब कृष्णन सर का जादू हमारे हाथ में है। हाँ दोस्त, कृष्णन सर के करिश्मे अब हम करेंगे। तो बद्री, जल्दी से कुछ गायब करके दिखा। क्या गायब करूँ? ये बैग गायब कर दे, ना रहेगा बैग और ना करना पड़ेगा होमवर्क। अरे ये तो गायब हो गया। इसका मतलब अब हम रिमोट से कुछ भी गायब कर सकते हैं। अब ये रॉकेट गायब करके देख। अरे बाप रे बाप। दोस्त अब देखना स्कूल में कितना मजा आएगा। अरे पहले रॉकेट और बैग तो वापस बुला। ओ हाँ, अभी बुलाता हूँ। दोस्त तुझे नहीं लगता जीवा बहुत खाता है? हाँ चलो उसकी थोड़ी डाइटिंग कराते हैं। मेरा समोसा खाने की तेरी हिम्मत कैसी हुई? ये मेरा समोसा है, झूठ बोलता है। छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे स्कूटर कहाँ गया? क्या हुआ सर, आप बड़े चिंतित लग रहे हैं। अरे हमारा स्कूटर नहीं दिख रहा है। लगता है सर आप स्कूटर घर भुलाए। अरे नहीं, हम स्कूटर से ही तो स्कूल आए थे, ये देखो स्कूटर की चाबी। लेकिन सर आपका स्कूटर तो ये रहा। हाँ, ये कैसे हो गया, अभी तो यहाँ नहीं था। सर लगता है ज्यादा काम की वजह से आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है। अरे यहाँ से स्कूल कहाँ चला गया? लगता है मैं आज स्कूल का रास्ता ही भूल गया। अयो रामा, ये क्या हो गया इस रिमोट को, ये कब गायब क्यों नहीं हो रहा है? सॉरी सर, मैं दूसरे काम में था तो कब इधर ही रह गया। ये रिमोट काम क्यों नहीं कर रहा है?
कृष्णन सर ने भी क्या चीज बनाई है दोस्त। हाँ, जैसी हमने फिल्म में देखी थी। लेकिन उस फिल्म में तो आदमी गायब होता है, इससे तो बस चीजें गायब हो रही है। अरे तो हमने आदमी पे ट्राई ही कब किया, तो ट्राई करना। बुध, यार कहाँ है तू? मैं तो यही हूँ, तेरे सामने सीसा पे बैठा हूँ। दिखाई नहीं दे रहा क्या? तू सिर्फ सुनाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, इसका मतलब ये रिमोट आदमी भी गायब करता है। हाँ? बॉल हवा में कैसे रुक गई? तो तू बास्केट के ऊपर बैठा है दोस्त। अयो रामा, ये इस रिमोट में कोट कैसे आ गया जी? अयो, रिमोट का कोट मेरे सामने दिख रहा है जी। कोई गायब होकर जीवा के पीछे बॉल लेके भागता है जी। इसका मतलब किसी ने मेरे असली रिमोट को नकली रिमोट से चेंज करके मेरे साथ चीटिंग किया है जी। ये बॉल ऊपर कैसे आ रही है? अयो रामा, मेरा सपना टूट गया जी। सर, सपना नहीं, ये तो रिमोट था। चुप! तुमने मेरा रिमोट तोड़कर मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। बुध, अच्छा तो ये बूथ नहीं, बुध है। तू बॉल लेके मेला पीछा कर रहा था। मैं तुझे दिख रहा हूँ। अच्छी तरह से दिखला है, और अब मैं तुझे दिन में ताले दिखाऊंगा। मुझे बच के कहाँ जाओगे? अरे दोस्त, ये तूने क्या किया? रिमोट तोड़ डाला। हाँ, और अब कृष्णन सर हमें तोड़ेंगे। अरे कृष्णन सर, इन दोनों को छोड़ना नहीं, ये लोग गायब होके मुझे दला ले थे। वेरी बैड, तुम दोनों ने मेरे रिमोट का मिसयूज किया। कृष्णन जी, ये बच्चों को लेकर कौन सा खेल खेल रहे हो? सर, खेल हम नहीं, ये लोग हमारे साथ खेल रहे हैं, हमारे एक्सपेरिमेंट का रिमोट रिप्लेस करके। रिमोट? कैसा रिमोट? सर, इस रिमोट से हम कुछ भी गायब कर सकता था, लेकिन अभी ये इन दोनों ने तोड़ दिया। कृष्णन जी, ऐसे एक्सपेरिमेंट क्लास के बाहर ना करें, वरना ये कब हमें गायब कर देंगे पता ना चलेगा। अरे बालकों, अब तुम्हारे खेल खिलाने का टाइम खत्म और बांग देने का टाइम शुरू, समझे? दोस्त, अपना रिमोट तो लैब में ही रह गया। हाँ दोस्त, तो बता कब लेकर आए? जब कृष्णन सर दूसरा गायब होने वाला रिमोट बनाएंगे तब लेकर आएंगे।
पार्टनर, कल साइलेंट फिल्म देख ली थी क्या जो आज उसके डायलॉग्स बोल रहा है? तू साइलेंट हो जा, नहीं तो मैं वायलेंट हो जाऊंगा। अरे तू तो करंट मारने लगा, 440 वोल्ट का झटका लगा है क्या? हाँ, पर तुझे कैसे पता? अच्छा, मतलब सच में झटका लगा है? कैसे? आज सुबह मम्मी ने मुझे अपनी शर्ट प्रेस करने को कहा और बस तभी से ये राइट हैंड टाइट हो गया है। जोर का झटका है, जोरों से लगा। अरे मिस बफेलो, जरा देख के चलो। तू तो जोक करने लगा पार्टनर। अरे तू मेरी आवाज में क्यों बात कर रहा है? क्योंकि जोर का झटका है, जोरों से लगा लगा। मेरी नकल बंद कर वरना शकल बिगाड़ दूंगा। नकल के लिए भी अकल चाहिए पार्टनर। अच्छा, ये ऐसे नहीं मानेगा। मैं कहाँ हूँ? स्कूल के बाहर फुटपाथ पे। और अगर तूने मेरी कॉपी करना बंद नहीं किया तो इस बार सड़क पे फेंक दूंगा। तूने मुझे नीचे फेंका बुद्ध, तू जरा रुको। पागल हूँ जो रुकूंगा। काय करता है तुम्ही? तुम आपस में काय को लड़ता है? तुम मेरे को काय को रोकता है? मेरा हाथ नहीं पकड़ने का? ए, तुम मेरी आवाज निकाल के मेरे को ही डराता है? प्रिंसिपल को कंप्लेन करेगा मैं। जिसको बोलने का है बोलो भाई, बस मेरे दिमाग का दही मत करो। आज हम इंग्लिश वर्ड से सेंटेंसेस बनाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड इज व्हाट। ये बोधी, ये क्या बदतमीजी है? स्टैंड अप, खड़ा हो जाओ। ये जब से स्कूल में आया है ना मैं, मेरा वाट लग गया है वाट। बदतमीजी बंद करो और क्लास से बाहर जाओ। तुम्हारा कान खराब हो गया है? तुम्हारा माथा खराब हो गया है क्या? छोड़ो हमारा हाथ। अरे बाबा, तुम्हारा इतना हिम्मत, हमसे बदतमीजी करता है? अब भी तुम्हारे क्लास टीचर को बुलाता है हम। यार बद्री, तू तो एकदम शाहरुख निकला। पार्टनर, क्या टैलेंट है! तूने ये मिमिक्री करना कहाँ से सीखा? जाकर अपना काम करो, हमारा टाइम वेस्ट मत करो, चलो जाओ। तुम दोनों तो आज गए काम थे, दुबे तलात बैंड बजाएंगे तुम्हारा। अरे तू बात यहाँ थे, मेले को धक्का देते। तेली ये हिम्मत, मैं तुझे तोलूंगा नहीं बदली। बद्री को आज सुबह घर पे इलेक्ट्रिक शॉक लगा और वो तुमसे ऐसे बिहेव कर रहा है। अब समझा, इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से बद्री की बॉडी में एक तरह की मैग्नेटिक एनर्जी पैदा हो गई है। क्या मैग्नेटिक एनर्जी? जो भी उसे छूता है बद्री उसके जैसा हो जाता है। लेकिन इसको ठीक कैसे करे? जैसे सबसे तेज होती है स्पीड ऑफ लाइट, बद्री को फिर से देना पड़ेगा एक और शॉक टाइट। मैं अभी जाकर लैब से सामान लाता हूँ। आरा मार दिया मन्ने। अरे प्रिंसिपल, हम जीवा, तू बच्चों को डराता है,
मारता है। आज तुझे मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया, अब तू मुर्गा बन जा। जा। लेकिन तल। ओए बहस नहीं, मुर्गा बन जा। अब देखिए अभी। तू फिकर मत कर बद्री, अब जीवा तुझे तंग ना करेगा। जा पढ़ाई कर, शाबाश। कहाँ है बद्री? दिन बदनी लोग बहुत बदमाश होता जा रहा है। ए भूत, बताओ बद्री कहाँ है? बोलो। चुप कर दुबे, मुड़ने की जरूरत ना है। अटेंशन, प्रिंसिपल है हम। मिस रॉय, चलो पीटी करो। दुबे, एक तो दंड पेल के दिखा, चल। सर अभी अभी ब्रेकफास्ट किया है, सब गड़बड़ हो जाएगा। अरे प्रिंसिपल है हम। अरे ये तो बद्री है। बद्री तुम? दुबे जी, ये जैसा हमारा आवाज निकाला वैसे ही मिस्टर राठी का आवाज निकाल रहा है। बदतमीज, आज तुम्हें स्कूल से निकाल कर ही दम लूंगा। किसी में इतना दम नहीं कि हम कोई इस स्कूल से बाहर निकाल सके। छोड़िए हमरा कंधा। है? हमरा नकल? तुम्हारा लगा देंगे ठिकाने अकल। अरे काहे करेंगे तुम्हारा नकल। अरे तुम ठहरो शैतान, आज नानी याद दिलाते हैं तुमको। गैन, ये क्या किया तुमने? मिस, बद्री को आज सुबह इलेक्ट्रिक शॉक लगा है और इसीलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है। उसे ठीक करने के लिए दोबारा शॉक देना पड़ेगा। चलो सब मिलकर बद्री को पकड़ो। सर वो बद्री यहाँ आया है का? उसको स्प्लिट पर्सनैलिटी हो गया है, उसको शॉक देना पड़ेगा। यहाँ तो कोई ना आया, मैं तो काम कर रहा था। सर वो गार्डन की तरफ गया होगा। चैन से सोने भी नहीं देते हैं। दरवाजा बंद कर देता हूँ। अरे तू यहाँ? दुबे सच बोल रहा था। हम तो हमारे कैबिन में काम कर रहे थे, प्रिंसिपल है हम। मन्ना कॉपी कर रहा है? इतनी हिम्मत हो गई तेरी छोराए? तू मन्ना कॉपी कर रहा है? तू कॉपी कैट, बदतमीज, छोड़ मेरी कमीज। चल। अरे पकड़ो पत्री को, गार्डन में घुस गया रही है। तेरी प्रिंसिपल हम। अरे भागते भागते पॉइंट ही लूज हो गया रे। पकड़ लिया पार्टनर, तू छोड़ दे पार्टनर। अरे ज्ञान, जल्दी आ और शॉक ट्रीटमेंट दे। पर बुध, अगर इसको शॉक दूंगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा, तू इसे छोड़ दे। अगर छोड़ा तो ज्यादा गड़बड़ होगा, तू शॉक दे। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ ज्ञान? अरे बद्री ठीक हो गया, बद्री ठीक हो गया। बद्री तू ठीक तो है भाई, है? चलो चलो सब अपनी क्लास में चलो। ज्ञान, ये सब यहाँ क्या कर रहे थे? लंबी कहानी है दोस्त, तुझे बुध बताएगा। बुध? अरे का बुध बुध लगा रखा है, जानत नहीं हो, हम दुबे हैं, दुबे। शौक का उल्टा असर बुध पर हो गया है और उसे स्प्लिट पर्सनालिटी हो गई है। स्प्लिट पर्सनालिटी? वो क्या है? अभी बताता हूँ।
मायरा, तुमने नोटिस पढ़ी? कल हम सबको राठी सर चिड़ियाघर लेकर जा रहे हैं। तब तो वहाँ सिर्फ चिड़िया ही चिड़िया होगी। So boring. OMG, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। चिड़ियाघर में सिर्फ चिड़िया नहीं होती, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। सारे एनिमल्स तो हम बुक में ही देख चुके हैं, फिर ज़ू में जाने का क्या फायदा? तब तो बुक में खाने की पिक्चर देखकर तेरा पेट भी भर जाता होगा। हाँ? जीवा, मुझे तो जानवरों से बहुत डर लगता है। अले डलने की क्या बात है, मैं हूँ ना, मैं तो किसी से भी नहीं डलता हूँ। अच्छा, शेर से भी नहीं? नहीं। ये तो नकली शेर से डर गया, असली शेर सामने आएगा तो इसकी पैंट गीली हो जाएगी। यार बुद्ध, अपना स्कूल क्या चिड़ियाघर से कम था जो राठी सर हमें यहाँ लेकर आए? हाँ, जीवा को देख लिया तो हाथी देखने की जरूरत नहीं, राठी सर को देख लिया तो जिराफ देखने की जरूरत नहीं, दुबे सर को देख लिया तो कछुआ देखने की जरूरत नहीं, सायरा मायरा को देख लिया तो हिरन देखने की जरूरत नहीं, मुकेश रमेश और गणेश को देखा तो बंदर देखने की जरूरत नहीं, और हमें देख लिया तो मुर्गे देखने की जरूरत नहीं। अरे अब मैं इत गोरिल्ला के साथ सेल्फी कैसे लूं? अरे वो देख, गोरिल्ला के हाथ में कैमरा। अरे कैमरा जीवा के हाथ में है और वो गोरिल्ला की फोटो खींच रहा है। एक ही बात हुई ना पार्टनर। चल हम भी फोटो खींचते हैं। अरे जीवा क्या कर रहा है? देख नहीं लाए, गोरिल्ला के साथ सेल्फी ले लाऊं। तो सिर्फ गोरिल्ला की फोटो खींच ले और तेरी सेल्फी है ऐसा सबको बोल दे। ए तुम, दिखा कैसी आई सेल्फी। अरे वही तो प्रॉब्लम है, कैमरा टर्न करता हूँ तो क्या फोटो ले लाओ दिखाई नहीं देता। तो हम है ना, हम तेरी फोटो खींचते ताकि कल जब तेरी मम्मी फोटो देखे तो उन्हें पता चल जाए कि तू कितना स्मार्ट है। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये लो कैमरा और मेरी अच्छी अच्छी फोटो खींचो ताले एनिमल्स के तार। अरे इसमें मजा नहीं आ रहा, जीवा को थोड़ा पीछे खड़ा करो पिंजरे के पास। जीवा थोड़ा पिंजरे के पास खड़े हो जा। अरे यार गोरिल्ला को तो दिखने दे, थोड़ा लेफ्ट हो जा लेफ्ट। नहीं जीवा तू समझ नहीं रहा है, वो वहाँ जाके जीवा को बता कि कैसे खड़ा होना है। गोरिल्ला की आवाज सुनकर जीवा को मम्मी याद आई। जीवा अब तो तेरी फोटो ब्लैक एंड व्हाइट आएगी। ब्लैक एंड व्हाइट क्यों आएगी? क्योंकि तेरे पीछे ब्लैक एंड व्हाइट ज़ेब्रा खड़ा है। अरे थोड़ा स्माइल तो कर। अरे मिला कैमरा, ये बंदर तो कैमरा लेके भाग गया। अरे चिल्ला मत, ये जू है, यहाँ शोर मचाएगा तो शेर आ जाएगा। लेकिन मेरा कैमरा। अरे हम है ना, हम तेरा कैमरा ला के देंगे। अरे ये कैमरा अकेला नहीं, चल इसे वापस दे। क्या कर रहा है दोस्त, कैमरा गिर जाएगा। अरे ये तो सेल्फी ले रहा है। कुके तो सेल्फी लेने आता है। अरे यार ये तो हाथी के पिंजरे में चला गया। अब तो हाथी मेरे कैमरे को कुचल देगा।
ये तो सबसे बेस्ट सेल्फी स्टिक है। जीवा, ये तो तुमसे भी अच्छा फोटो खींच रहा है। लगता है यहाँ के जानवरों की शादियों में यही फोटो खींचता होगा। लेकिन जानवरों की शादी कहाँ होती है? होती है, लेकिन वो हमें अपनी शादी में नहीं बुलाते। लेकिन हम भी उन्हें अपनी शादी में नहीं बुलाते ना? बुलाते हैं ना, तभी तो दूल्हा घोड़े पे बैठता है। मिला क्या मिला? अब मम्मी बहुत डांटेगी। गुड, वेरी गुड। अब लाओ मुझे दो कैमेला। अरे ये क्या किया? कैमेला फिलते बंदर को क्यों दिया? अरे वो तुझसे अच्छी फोटो खींच रहा है ना। इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। मुझे खेल का माच लगा के दलाते, मेरा कैमेला बंदर को देते। अब दीवा के दिमाग में कलबली मत लाइए। अरे वो देख, उस पिंजरे में गया वो बंदर। मर गए दोस्त, हम तो शेर के पिंजरे में आ गए। इससे पहले कि ये जाग जाए, चल हम भाग जाए। खोलो, कोई दरवाजा खोलो। लगता है दरवाजा लॉक हो गया। बाप रे, ये तो हमें खा जाएगा। चल इस सीढ़ी पे चढ़ते हैं। बुध, जल्दी से इस घास में छुप जा। क्योंकि शेर घास नहीं खाता ना। पार्टनर, वो देख दुबे सर। आज तो दुबे सर की परीक्षा होगी, देखते हैं वो हमें बचा पाते या नहीं। सर, सर, सर! तुम लोग यहाँ, सारे बच्चे उधर हैं और तुम यहाँ मस्त कर रहे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमको चुप करा रहे हो? यार दुबे सर तो फेल हो गए। अब क्या करें? चुप, ये तो हमें मरवा के रहेगा। लगता है ये आज हमारी आखिरी फोटो खींच के जाएगा। आइडिया। अरे ये आइडिया नहीं, लॉलीपॉप है। वाह, इन्हें क्या खेल खेले। पार्टनर, आखिर अपना कैमरा मिल गया। अपना नहीं, ये मेरा कैमरा है। जीवा तू? क्यों, मुझे डलपोक कह लेते ना। बोल रहे थे कि दीवा तो नकली तेल से भी जल जाता है। अब समझ में आया कि कौन डरपोक है। यार जीवा ने तो हमें डरपोक साबित कर दिया। अब मैं तब को बोल दूंगा कि तुम कैसे जल गए थे। तूने तो दुबे सर को भी डराया था, सच बोलेगा तो फंस जाएगा। अरे बुध और बद्री, तुम ठीक तो हो? दुबे जी ने बताया तुम लोग शेर के पिंजरे में चले गए थे। हाँ सर, चले तो गए थे, लेकिन हम सही सलामत बाहर भी आ गए। लेकिन वो कैसे? सर, हम दोनों शेर के साथ लड़े और शेर हमसे डर के पिंजरा छोड़कर भाग गया। वाह, तुम दोनों तो बड़े बहादुर बच्चे हो। लेकिन एक बात याद रखना, चिड़िया घर में जानवरों के पिंजरे के अंदर कभी भूल से भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। सर, अगर शेर पिंजरा तोड़ के भाग गया है तो वो यही जू में ही खुला घूम रहा होगा। भागो, शेर, शेर! देखा जीवा, सुना नहीं राठी सर ने क्या कहा? हम डरपोक नहीं, बहादुर बच्चे हैं। दाए दाए से। वो देखो पीछे, शेर! मम्मी! Ha 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 ha!
सर स्कूल में पुलिस आई है। अरे हम नहीं बुलाया है भाई पुलिस को। कैसे हो राठी? अरे वाह वाघ मारे आ गए तुम। आ भाई कितने सालों बाद मिले हैं, मुझे लगा भूल गए होगे मुझे। अरे ऐसे कैसे भूलेंगे, मुझे याद है कैसे हम सब तुम्हें लाठी लाठी कहकर चढ़ाते थे। लेकिन अब हमें स्कूल में कोई लाठी नहीं कह सकता क्योंकि अब तो प्रिंसिपल हैं हम। बद्री मैंने तुझे कहा था कि एग्जाम में नकल मत कर लेकिन तू नहीं माना। अब देख राठी सर ने पुलिस को बुला लिया। अरे ये इंस्पेक्टर अपने लिए नहीं जीवा के लिए आया है जिसने हमारे लंच बॉक्स से पराठा चुरा कर खा लिया। ओए होए अले तुम लोग मेरा टिफिन खा लेना लेकिन मेरा नाम मत बताना थम्दे। तो अब बताओ कैसे याद किया? वो क्या है ना कि बच्चों को पता होना चाहिए कि पुलिस कैसे काम करती है, कैसे सबकी रक्षा करती है। हाँ ये बात तो है। और ये सब बच्चों को तुमसे अच्छा कौन समझाएगा? अरे जरूर समझा दूंगा लेकिन स्कूल में नहीं पुलिस स्टेशन में। अरे मेरे पलाते कहाँ गए? अरे तेरे बैग के ऊपर तो चींटी चल रही है, उसी ने पराठे खाए होंगे। और वैसे भी तेरी मम्मी पराठों में बहुत मिर्ची डालती है। मिलती लो थोड़ी डालती है, वो तो आज गलती से डल गई थी। इसका मतलब मिले पलाते तुम दोनों नहीं खाए तभी तुम्हें मिर्ची का पता चला। चलो सब लोग पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हो जाओ। चल बुदल बदली ने लंच बॉक्स मेले पलाते तुला कल खा लिए। सर मुर्गा बनाकर बात को खत्म कर दो ना, पुलिस स्टेशन जाने की क्या जरूरत है? चुप रहो, जैसा कहा है वैसा करो। इंस्पेक्टर वाघ मारे तुम लोगों को आज पुलिस के काम के बारे में जानकारी देंगे। चलो सब। आइए आइए, छोटा चौकी पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर वाघमारे की ओर से आपका स्वागत है। लगता है ये इंस्पेक्टर चोरों का भी ऐसे ही स्वागत करते होंगे। हाँ तभी तो चोरियां कम नहीं हो रही। बच्चों आओ मैं आप सबको दिखाता हूँ कि पुलिस कैसे काम करती है, कैसे मुजरिमों को पकड़ती है और कैसे आप सबकी रक्षा करती है। सर ये दीवार पे किसकी फोटो लगी है? अरे तुझे इतना भी नहीं पता, जैसे अपना स्कूल में राठी सर के दादाजी की फोटो है वैसे ये इंस्पेक्टर सर के पापा की फोटो है। अरे नहीं नहीं, ये खूंखार मुजरिम छोटा मंजन की फोटो है जिसको पकड़ना हमारे लिए एक चैलेंज है। लेकिन सर आप तो इसकी फोटो लगाकर ऑफिस में बैठते हैं, ऐसे तो ये कभी भी नहीं पकड़ा जाएगा। हमारे जासूस इस शहर के कोने कोने में फैले हैं, उनके पास जैसे ही कोई खबर आएगी वो हमें कॉल करेंगे और हम वहाँ छापा मार कर इसको पकड़ लेंगे। ये तो वैसे ही है जैसे क्लास में जीवा दुबे सर को हमारी शिकायत करके पकड़वा देता है। हाँ मतलब जीवा दुबे सर का खबरी है। अब यहाँ का लॉकअप दिखाते हैं आप। ये छोटा मंजन भी अपने साथ जाना चाह रहा है, तो साथ में ले लो इसको भी। ये है लॉकअप, जब कोई कानून तोड़ता है तो हम उसे यहाँ बंद कर देते हैं। इससे अच्छी सजा तो अपने दुबे सर देते हैं। हाँ हमें मुर्गा बनाकर। और ये है हथकड़ी, इसे हाथों में पहनाकर मुजरिम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है ताकि वो भाग न सके। आओ अब आप सब कैंटीन में नाश्ता कर लो। पार्टनर ऐसा लगता है ये हथकड़ी हमारे लिए बनी है। हाँ ये हथकड़ी गुंडों को नहीं फ्रेंडों को पहनानी चाहिए जैसे कि हम। अब क्या करें?
इसकी चाबी वाघमारे सांप के कैबिन में होगी। चल देखते। वो देख चाबी। जल्दी से उठा और लॉक खोल दे। यहाँ कोई नहीं है दोस्त, फोन उठा ले। हेलो। कुछ सुना दोस्त? अरे मैं कैसे सुनूंगा, फोन तो तूने उठाया था। किसी मुन्ना मोबाइल का फोन था, कह रहा था कि छोटा मंजन पुरानी फैक्ट्री में भेस बदल कर आने वाला है। तो चल जाके पुलिस अंकल को बताते हैं। अरे अभी तो पुलिस अंकल ने हमें बताया कि क्रिमिनल को कैसे पकड़ते हैं, क्यों ना हम ट्राई करें। लगता है मुन्ना मोबाइल की खबर गलत है। एक घंटे से बैठे हुए हम, लेकिन अभी तक तो कोई भी नहीं आया। देख, शैतान का नाम लिया और शैतान आ गया। शैतान? लेकिन दोस्त, उस चोर का नाम तो छोटा मंजन है। अरे मतलब वो चोर आ गया। ओ, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये वही शैतान है, क्योंकि उसने तो भेस बदला है। तो हम भी उसका भेस बदलते हैं ना। वो या तो ऐसी मूछे लगा कर आएगा या फिर ऐसी दाढ़ी लगा कर आएगा, ज्यादा से ज्यादा बाल लगा कर आएगा। ए, वो देख छोटा मंजन, वो तो कुछ लगाने की बजाय सब उतार कर आया, अपनी हाइट भी। हाँ, इसलिए तो उसका नाम है छोटा मंजन। चल उसका बजाते हैं भजन। छोड़ दो मुझे, अरे मुझे छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ेंगे तुझे, बड़ी मुश्किल से तो तू हाथ में आया है। अब तो हमें अवार्ड मिलेगा। कैसा लग रहा है छोटा मंजन? अरे मैं छोटा मंजन नहीं हूँ। क्या? वो सच बोल रहा है। इसे कैसे पता ये बड़ा मंजन है क्या? नहीं, मैं हूँ छोटा मंजन। क्या? मेरा नाम है छोटा मंजन और मैं करता नहीं किसी का मनोरंजन। और मैं इंस्पेक्टर वाघमारे का खबरी मुन्ना मोबाइल हूँ। मैं इसे काफी दिनों से ढूंढ रहा था। ये मेरी हर डकैती की खबर इंस्पेक्टर वाघमारे को देता है। तुम लोगों ने इसे पकड़ कर मेरा बहुत बड़ा काम किया। दोस्त, अगर ये खबर पुलिस अंकल तक पहुंच गई तो वो हमें जेल में डाल देंगे। हाँ, अब तो हमारा ब्रेवरी अवार्ड भी गया। बचाओ, मुझे बचाओ। हमें कुछ तो करना पड़ेगा। हम तो बड़ी मुश्किल से इसकी कमर तक ही पहुँच पाते हैं। कमर तक तो पहुँच पाते हैं ना। तो चल करते हैं छोटा मंजन का मनोरंजन। अरे 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 क्या 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 कर रहे हो, छोड़ दो। मेरा नाम है छोटा मंजन, मैं करता नहीं किसी का मनोरंजन। तुम्हारी वजह से मुन्ना मोबाइल मेरे हाथ से निकल गया। तुम दोनों की खैर नहीं। भाग पार्टनर। बच के कहाँ जाओगे तुम लोग? मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। हम लोगों को बाद में पकड़ लेना, अब तुझे पुलिस नहीं छोड़ेगी। छोटा मंजन, अब जेल में करना भजन।
कहाँ है वो छोटा मंजन? सर, हमने उसे इस कमरे में बंद किया। शाबाश, तुम दोनों सच में बहुत ही बहादुर बच्चे हो। क्यों नहीं होंगे इंस्पेक्टर, आखिर ये उस स्कूल के बच्चे हैं जहाँ के प्रिंसिपल हैं हम। पार्टनर, कितनी मेहनत करनी पड़ी हमें इस ट्री के लिए। हाँ पार्टनर, कितना काम किया हमने। साइकिल उठाई, चलाया, दुकान पे गए, पैसे दिए, खरीदा, उसके बाद उसको लेके घर पे आए। हाँ, कितना सारा टाइम वेस्ट हो गया हमारा। इतनी देर में तो मेगा रोबोट के एक दो लेवल ऐसे ही पार हो जाते। देखना, आज कंपटीशन में हमारा क्रिसमस ट्री ही जीतेगा। अरे, हमसे आज तक मेगा रोबोट नहीं जीत पाया तो और कोई क्या जीतेगा। अच्छा, ये बता, जिसका ट्री सेलेक्ट होगा उसे क्या मिलेगा? राठी सर सांता क्लॉस बन के गिफ्ट देने वाले हैं। स्पेशल गिफ्ट। हाँ, स्पेशल भी होगा और हमारा ही होगा। अरे, मुझे भी गुदगुदी हो रही है पीछे करे से। अरे, अपना ब्यूटीफुल क्रिसमस ट्री कहाँ है पार्टनर? यार, हमारी सारी मेहनत पे गोबर फिर गया। अच्छा हुआ डेकोरेशन का सामान बैग में ही रखा था। तुम्हारा क्रिसमस ट्री कहाँ है? लाना भूल गए क्या? नहीं, हाँ लाया ना, तू बता ना। लाया ना, बहुत अच्छा है, पर सरप्राइज है, सीधे सर को दिखाएंगे। और हाँ, सेंटा का गिफ्ट भी जीतेंगे। ऑल द बेस्ट। देखो अपने पास अपना ट्री। क्यों भाई दुबे, छुट्टियों की तैयारी हो गई बच्चों की? हाँ सर, हम पूरा लिस्ट बना लिया हूँ कि बच्चों को का का होमवर्क देना है छुट्टियों में। मैथ, साइंस, फिजिक्स, सब कुछ इतना दे दूंगा कि बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलेगी किसी को सर। अरे नहीं दुबे, नहीं, बच्चों को त्योहार और छुट्टियों पर होमवर्क नहीं देना चाहिए, उन्हें छुट्टियाँ एंजॉय करने दो। अरे हम भी यही सोच रहा था, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ये तो है भाई, आखिर प्रिंसिपल है हम। अरे आज फिर से लेट हो गए और तुम्हारा क्रिसमस ट्री ना दिख रहा भाई। सर लाए तो थे पर भैंस से टकरा गए। अरे नहीं सर, ये दोनों बहाना बना रहे हैं, बिल्कुल भैंस से नहीं टकराए। अरे ये क्या सुन रहा हूँ मैं, मेरे सामने कोई बहाना ना चले, आज मुझे किसी भी हालत में तुम दोनों से क्रिसमस ट्री चाहिए, स्कूल खत्म होने से पहले, वरना वेकेशन कैंसिल। अब क्या करें दोस्त, क्रिसमस ट्री कहाँ से लाएंगे हम? टेंशन नॉट, तेरे साथ है बद्रीनाथ, कुछ सोचता हूँ। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वो रहा हमारा ट्री। वो तो जीवा का है पार्टनर। हाँ पार्टनर, अब हमारा होगा। और ये वाला डिंगल डिंगल बेल। अरे लुक दा, अरे लुक 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 दा, अरे मिलेकल मिलेकल, मेला क्रिसमस ट्री चल रहा है। अरे लुक दा, लुक लुक लुक, अरे लुक दा। देखा था अपने, मेरे तली का मिलेकल, आज तो दलूल मैं ही जीतूंगा। साइंस मिरेकल को नहीं मानती, इससे तो एक धागा बंधा है, लगता है कोई इसे खींच रहा था। ये आइडिया तो फ्लॉप हो गया। पार्टनर, टॉप पे पहुंचने की फर्स्ट स्टेप हमेशा फ्लॉप होती है। जेब में पैसे भी नहीं है। हाँ, वरना खरीद के लाते दुनिया का बेस्ट ट्री।
एक ग्लास की पेटी में रखा हुआ गीला लाल रिबन से घिरा हुआ और टॉफी से लदा हुआ और सबसे ऊपर एक गोल्डन स्टार। सपने बड़े अच्छे दिखता है तू दोस्त। सपना नहीं पार्टनर, मेरी आंखों के सामने वो देख। हाँ पार्टनर, बन गया अपना काम। चल आजा। उफ, कितना बड़ा है, उठा के थक गया हूँ, पानी पी लेता हूँ। अरे मेरा क्रिसमस ट्री कहाँ है? कोई बात नहीं। Imported from USA. पार्टनर, हम तो फिर बसे। यार इसे तो दुबे सर का लेक्चर ही अच्छा है, कम से कम सो तो सकते हैं। हरमिट मैन पार्टनर, वो देख एक और ट्री हमारा इंतजार कर रहा है। सही कहते हैं कि दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं। हमारे लिए कितनी मेहनत से सजा रहे हैं, इनकी मेहनत वेस्ट नहीं जाने देंगे। वो हमारा ट्री है। हमारा नहीं, अब हमारा ट्री। हमारा क्रिसमस ट्री हमारे पास वापस, जाओ कहीं और मुंह मारो। आसमान से गिरे खजूर में अटके। नहीं पार्टनर, पत्थर से गिरे कीचड़ में पटके। ये अच्छा नहीं हुआ पार्टनर, भूल गया, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वो देख। हाँ पार्टनर, देख जिसे ढूंढा गली गली वो तो गार्डन में मिली। हाँ चल, कोई बड़ी सी ब्रांच तोड़ते हैं और ले जाते हैं क्लास में। हाँ, चल। पार्टनर ऊपर चढ़ते हैं। हाँ, बहुत ऊपर। ये तो बहुत ऊंचा है। जानी, ये बच्चों के बस की बात नहीं है, फिसल गए तो चोट लग जाएगी। मैं ट्राई करता हूँ। गिलहरी, ये कैसे आ गई? पत्थर से ट्राई करते हैं। हाँ, ये आइडिया ठीक है। अब इस पेड़ को छोड़ूंगा नहीं। ये ले तेरी तो। और मैं भी नहीं छोड़ूंगा। ये ले। अरे वाह पार्टनर, क्या आइडिया निकाला है तूने। मैं भी नहीं छोड़ूंगा। ये ले मेरा भी। ये है। अरे बहुत बढ़िया पेड़ सजाया सबने, बल्ले घर में, अपने स्कूल पे, अपने बच्चों पे। बहुत बढ़िया, बधाइयां बधाइयां। सब पर नहीं सर, इन दोनों को छोड़ के। अरे ये के तुम्हारा पेड़ कहाँ है? अब तुम दोनों को क्रिसमस यही मनाना पड़ेगा स्कूल में। नहीं सर, हम नहीं मनाएंगे स्कूल में। बगावत, मतलब हम नहीं, हमारा पेड़ रहेगा स्कूल में।
सर वो रहा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना बड़ा और खूबसूरत क्रिसमस ट्री ना देखा भाई। ये लो तुम्हारा क्रिसमस गिफ्ट। वाओ हम जीत गए। पार्टनर हम जीत गए। ये 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 दादा उल्मत दलाई दल भी देख। पार्टनर सबके पास है। अबे सेंटा बच्चों में फर्क ना करे, सबको एक सा प्यार करता है भाई सेंटा। अरे जाओ अपनी छुट्टियां एंजॉय करो। मैरी क्रिसमस। मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गया। एकदम परफेक्ट। अब आसमान से जैसे पोल पे बिजली गिरेगा वो इस केबल से होकर सीधा लैब में मेरे रखे डिवाइस में स्टोर हो जाएगा। हो गया। अब उधर बिजली गिरेगा और इस डिवाइस में मैग्नेटिक पावर आ जाएगा। ओहो जब भी मौसम सुहाना होता है तो ये टीवी खराब हो जाता है। टीवी नहीं सर एंटीना। हाँ वही तो जाओ छत पे जाकर ठीक करके आओ। 10 मिनट में न्यूज देखकर क्लास में जाना है हमको। ये लो जो बोले वही कुंडी खोले। क्यों फालतू में बताया इनको कि एंटीना में प्रॉब्लम है। एक तो स्कूल के सारे काम अकेले मुझे करने पड़ते हैं, ऊपर से अब ये एंटीना भी घुमाओ। अरे घुमाने में तो ये दोनों भी बहुत माहिर हैं। क्यों ना इनको ये काम दिया जाए। बुधर बद्री सुनो अगर तुम दोनों फ्री हो तो मेरा एक काम कर दो। पढ़ाई को छोड़कर कोई भी काम बोलो हम एकदम कर देंगे। पढ़ाई का नहीं एंटरटेनमेंट का काम है। छत पे लगा हुआ डिश एंटीना थोड़ा हिल गया है, अगर तुम उसको थोड़ा घुमा दोगे तो पिक्चर आ जाएगी। कौन सी पिक्चर पटेल अंकल? दिलवाले आ रही है क्या? वो तो दुबे सर ही बताएंगे क्योंकि वही टीवी देख रहे हैं। दोस्त तब तो जल्दी से एंटीना ठीक करके आते हैं ताकि दुबे सर दिलवाले बनके स्टाफ रूम में बैठे रहे। हाँ वरना वो क्लास में आके हमको दिमाग वाले बनाना शुरू कर देंगे। अरे जल्दी चल वरना बारिश शुरू हो जाएगी। अरे दोस्त उधर नहीं इधर घुमा। नहीं नहीं उधर नहीं इधर घुमा। अरे मैं भी तो वही बोल रहा हूँ इधर घुमा। अरे मैं भी वही बोल रहा हूँ इधर घुमा। अरे दोस्त बारिश शुरू हो गई, नीचे चल हम भीग जाएंगे। अरे टेंशन मत ले ये छतरी है ना अपने पास। अब बिजली के चमकते ही अपना किस्मत भी चमक जाएगा जी। अरे दोस्त क्या कर रहा है? अभी तो बिजली ने गिराया और तू फिर से गिरा रहा है। अरे मैं कैसे गिराऊंगा, मैं तो खुद ही गिरा पड़ा हूँ। ये? अरे दोस्त एंटीना पीठ पे नहीं दीवार पे लगाना है,
वरना दुबे सर तुझे घुमाते रहेंगे। अरे ये कैसे आ गया? अरे दोस्त, तूने आज नहाते समय साबुन की जगह गोंद लगाया था क्या, जो चिपक गया। अरे दोस्त, ये एंटीना तेरे पे चिपक गया। लगता है तू भी आज साबुन से नहीं गोंद से नहाया। लेकिन ये हमें चिपक क्यों रहा है? अरे इस एंटीना को जल्दी से निकाल, वरना दुबे सर को टीवी में तेरी शक्ल दिखने लगेगी। दोस्त कुछ गड़बड़ है। ये एंटीना तो हमारे शरीर पर ऐसे चिपक गया जैसे हमारा शरीर कोई मैग्नेट है। अरे दोस्त तू सच कह रहा है, हमारे शरीर मैग्नेट बन गए। हम एक दूसरे को चिपक जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। अभी तो बच गए, लेकिन इसके आगे हमें एक दूसरे से अलग रहना पड़ेगा। ऐसे तो हम हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे। अरे हमेशा के लिए नहीं, जब तक ये मैग्नेटिक पावर है तब तक दूर रहना ही पड़ेगा। तब तो हमें लोहे की चीजों से भी दूर रहना पड़ेगा। अरे दूर ही नहीं, संभल के भी रहना पड़ेगा दोस्त। दोस्त इस मैग्नेटिक पावर ने तो भगा भगा कर हमारी हालत खराब कर दी। और तो और सब लोहे की चीजें हमें आकर चिपकती और चुभती है। हाँ, काश हमारी बॉडी पे लोहे की जगह चॉकलेट, रसगुल्ले, पेस्ट्रीज और बर्गर आकर चिपकते तो कितना मजा आता। अरे खाने का सपना देखकर मुझे बहुत तेज भूख लगी है। हाँ दोस्त मुझे भी, लेकिन हम साथ में कैंटीन भी नहीं जा सकते। तो एक काम करते हैं, पहले तू जा, बाद में मैं आता हूँ। अरे देवा, ये हथौड़ा पीछे काहे को जा रहा है? बच गया, वरना आज ये कांटे मुझे नूडल समझकर खा जाते। बच गया, वरना आज ये हथौड़ा मेरी हड्डियाँ तोड़ देता। इससे पहले कि ये फिर से मेरे पीछे पड़ जाए, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। इस हथौड़े से आँख बचाकर भागना पड़ेगा। अरे दोस्त, इनसे बचे तो आपस में चिपके। हाँ दोस्त, पहले छुपा छिपी खेल रहे थे, अब चिपका चिपकी खेलेंगे। लेकिन अब हमें कौन छुड़ाएगा? अरे इन दोनों को क्या हो गया? लगता है बुदल बदली को योग कर ले। अरे ये योग नहीं, हमारी गलती का भोग है जो हम भुगत रहे हैं। हाँ, हमारे शरीर में मैग्नेटिक पावर आ गई है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। प्लीज
तुम लोग हमारी मदद करो। ओह डोंट वरी बुदन बद्री, तुम लोग टेंशन मत लो। इन दोनों को पकड़ कर दोनों साइड से खींचते हैं। दो लगा के अरे तुम लोग ठीक से पकड़ो। एक काम करते हैं, मैं उस पोल को पकड़ता हूँ और सारे लोग मिलके बुद्ध को खींचो। अब खींचो। अयो रामा, मिल गया, मैग्नेटिक एनर्जी मिल गया, मेरा सपना पूरा हुआ। अरे ये लोग अलग हो गए। ये हमें खैर दिखाया। बुद्ध, तूने देखा? हाँ, अब हम आपस में नहीं चिपक रहे हैं। अरे सिर्फ ये ही नहीं, हम अब पोल से नहीं चिपक रहे। बच गए दोस्त, वरना हमें सारी जिंदगी एक दूसरे से चिपक कर रहना पड़ता।